हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया है, और अभी तक सिलेबस जो कि पुराना चल रहा था उसी पर सभी बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे थे। यहाँ तक कि कोर्स जो है जो हमने स्टार्ट किया तो वह भी हम पुराने सिलेबस से कर रहे थे। तो जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें एक दो पॉइंट ही हैं जो कि हटाए गए हैं और कुछ एक दो पॉइंट जो है वो जोड़े गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे कि कौन से जो टॉपिक हैं वो यहाँ पर ऐड हुए हैं और कौन से हटाए गए हैं। क्योंकि आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की सबसे खास बात क्या है कि जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं एग्ज़ाम में वहीं से प्रश्न आपके आएंगे। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए, जिन बच्चों ने कोर्स लिया है बहुत ध्यान देंगे यहाँ पर अच्छे से कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है तो उनमें से कौन सा टॉपिक जो है हटाया है जिसको हमें नहीं पढ़ना है, और कौन सा जो है जोड़ा गया है जिसको हम बाद में करेंगे। तो पेपर वन सेकेंड ग्रेड जो जीके का पेपर है तो उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट क्या है, राजस्थान की जनरल नॉलेज है, जीके है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों हमने कर लिया है। ठीक है, तीनों बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया है, पीडीएफ फाइल भी आपको मिल चुकी है, वीडियोस आपको मिल चुके हैं। तो देखिए, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें आपके दो पॉइंट जो हैं हटा दिए गए हैं, जो कि है एक योजना प्लानिंग यानी योजना आयोग से संबंधित और दूसरा बजट से संबंधित। तो मैंने आपको ये दोनों टॉपिक ही नहीं कराए क्योंकि मैंने कहा था कि करंट अफेयर जो है वहाँ पर भी हम ये पढ़ेंगे, तो इन्होंने दो टॉपिक जो है वो यहाँ से हटा दिए, यानी ज्योग्राफी जो है वो आपकी कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी जो है ऐसा नहीं है कि आपको और पढ़ना है। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री की, राजस्थान की, तो ये बिल्कुल सेम है जो कि पिछले सिलेबस में था, कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बैराट सभ्यता, ये हमने पढ़ ली है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का, तो यहाँ पर आपके जो ये गुर्जर प्रतिहार है, चौहान ऑफ अजमेर है, रिलेशन विद दिल्ली सुल्तान है, राजस्थान के जो शासक हैं उनका मुगलों से क्या संबंध रहा, तो जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं यही हमने पढ़े हैं बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट हिस्ट्री का, जिसमें 1857 की क्रांति जो है ये इन्होंने जोड़ दी है। ठीक है, और इसको मैंने इसमें आपके कंप्लीट करवा दिया है, ये नया जोड़ा गया है, पिछले सिलेबस में जो है बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखाया गया था कि 1857 की क्रांति जो है वो आपको पढ़नी है, लेकिन मैंने यहाँ पर करवा दी थी, तो यहाँ पर ये नया जोड़ा गया है जिसको हम कर चुके हैं। दूसरा एक और नया जोड़ा गया है, पॉलिटिकल अवेकिंग, ये आपके दो पॉइंट जो है वो अभी नए जोड़े गए हैं, जिसमें 1857 की क्रांति हम कर चुके हैं। बाकी जो सिलेबस है वो बिल्कुल यहाँ पर सेम है। और देखिए इम्पोर्टेंट बात कि हटाया क्या गया है, तो ब्लू से जो है वो मैं मार्क करती हूँ। यहाँ पर जो है एक पॉइंट था, कौन सा, कि महिलाओं की क्या भूमिका रही थी मध्यकालीन और आधुनिक समय में, उसको जो है इन्होंने हटा दिया है, यहाँ पर जो है एक पॉइंट था। ठीक है, तो आपको पीडीएफ जो मिली है तो आप उसको याद नहीं करें क्योंकि पॉइंट ही आपके हटा दिया गया है, महिलाओं की क्या भूमिका रही थी मध्यकालीन और आधुनिक समय में। ठीक है, बाकी ये सभी बिल्कुल समान है, पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है ये, लोक देवता देवियाँ, राजस्थान के संत, मंदिर, महल, किले, पेंटिंग्स, फेयर एंड फेस्टिवल, कस्टम, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट, फोक म्यूजिक, डांस, ठीक है, भाषा, साहित्य, ये बिल्कुल समान है। फिर पॉलिटी की यदि बात करें तो पॉलिटी में सभी चीज़ें वही हैं, एक चीज़ जोड़ दी है यहाँ पर, और वो क्या है, तो बिल्कुल रेड से जो है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि यहाँ पर जो विधानसभा का जो टॉपिक है वो आपके नया जोड़ दिया है राजस्थान की पॉलिटी में, तो ये मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो यहाँ पर क्या जोड़ा है, क्या हटाया है, तो देखिए ये जो आपका पार्ट है पूरा ये बिल्कुल सेम है पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज जो है वो बदल दी है इसमें, इंडिया के जीके में यहाँ पर लोकेशन एंड इट्स एडवांटेज ये शब्द यहाँ पर था, उसके बदले इन्होंने फिजिकल फीचर दे दिया है। बात वही है, यहाँ पर हमें इंडिया के बारे में जो है लोकेशन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, उसकी भौतिक विशेषताएं भारत की वो पढ़नी है हमें, और
बाकी जो है वो बिल्कुल समान है। और देखिए यहाँ पर जो नेशनल इनकम का जो टॉपिक था पुराने सिलेबस में वो हटा दिया है, पॉवर्टी हटा दिया है, ठीक है, रिडक्शन स्कीम जो है वो भी हटा दी है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है कि तीन चीजें यहाँ से हटा दी हैं, जोड़ा क्या है वो हमें ध्यान देना है। इंडियन इकोनॉमी जो है तो यहाँ पर भी ये सब कुछ पहले था और अब भी है। फिर देखें, ठीक है, एक पॉइंट जो है इन्होंने सर्विस सेक्टर का यहाँ पर ऐड कर दिया है, और हटाया क्या है तो नेशनल मूवमेंट में गांधी जी का जो रोल रहा है वो इन्होंने टॉपिक यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। पुराना सिलेबस भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, वो आप देखिएगा, वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप नया सिलेबस ही ध्यान में रखिए। तो सर्विस सेक्टर जो है वो जोड़ दिया है, और गांधी जी का जो नेशनल मूवमेंट है वहां पर उनका क्या रोल रहा वो इन्होंने हटा दिया है, और बाकी ये सब कुछ पहले जैसा ही है। साइकोलॉजी की यदि हम बात करें, हम साइकोलॉजी जो है कितनी यूनिट हमने कर ली है, तो हमने जो है यहाँ पर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी। तो इसमें जो है यहाँ पर एक पॉइंट, वेरियस साइकोलॉजिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका शिक्षा में क्या योगदान रहा, ठीक है। तो वो यहाँ पर पहले था, जो कि मैंने आपको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दिया था, उसको आप जो है करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भी हम पॉइंट पढ़ते हैं वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट के नाम आते ही हैं। वो क्या कहते हैं इनके बारे में ये हमें पढ़ना ही है, कि लर्निंग के बारे में उन्होंने क्या कहा, पर्सनैलिटी के बारे में उन्होंने क्या कहा, बुद्धि और जो क्रिएटिविटी है उसके बारे में क्या कहा, तो वो सब यहाँ पर जो है वो आ जाते हैं। तो वो उसको आपको पढ़ना ही है, हटाना नहीं है, ठीक है। या सिलेबस में जो है हटा दिया गया है, लेकिन वो चीज़ आपको पढ़नी है, वेरियस साइकोलॉजिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, जो पहली यूनिट में था वो आप पढ़ेंगे। फिर देखिए डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ इन्होंने कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव, मॉरल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपके जो कॉग्निटिव और मॉरल, ये दो पॉइंट जो है वो आपका जुड़ गया है, तो ये मुझे आपको करवाना है, ठीक है। कौन सा करवाना है, यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास, ये आपको करवाना है। उसके बाद देखिए लर्निंग जो है, लर्निंग का टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं जोड़ा है ना ही कुछ हटाया गया है। पर्सनैलिटी का जो टॉपिक है इसमें भी कुछ भी नहीं जोड़ा गया है और ना ही कुछ हटाया गया है, बस यहाँ पर मेजरमेंट जो शब्द है इसके बदले में यहाँ पर पहले असेसमेंट वर्ड वर्ड था, ठीक है, बाकी पूरा सेम है, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद बुद्धि और सृजनात्मकता, तो इसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहले जैसा ही है। एक पॉइंट यहां पर एक और था, और वो क्या था, यहां था ह्यूमन कॉग्निशन, यहां पर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां लिखा हुआ था ह्यूमन कॉग्निशन, ये मैंने आपको करवा दिया है, भले ही आप इसको ना करें। अब देखिए साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं वो कम है, ठीक है। यदि आपने ह्यूमन कॉग्निशन का चैप्टर पढ़ लिया है तो कोई बात नहीं, आपको उससे फायदा ही होगा। मेरा काम है आपको सिलेबस जो है वो आपको अच्छे से क्लियर करना। तो ह्यूमन कॉग्निशन जो है यहां पर हटा दिया गया है। मोटिवेशन का जो चैप्टर है ये बिल्कुल समान है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो चैप्टर है इसमें हमने जो है मीनिंग और सोर्स अभी कर लिया है, और अब हम इस टॉपिक पर हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, तो वो हम कर रहे हैं, अभी हम जो है इस यूनिट पर हैं। लास्ट जो यूनिट है तो ये बिल्कुल समान है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो ये आपका जो है न्यू सिलेबस है, अभी दोबारा से मैं एक बार और बता दूंगी आपको। और यहाँ क्वेश्चन पेपर वही है आपका, 200 मार्क्स का है, 2 घंटे का है, और ये जो है आपका राजस्थान का जो पूरा का पूरा जीके है 80 मार्क्स का आपका आएगा। करंट अफेयर जो है वो 20 मार्क्स की आएगी आपकी, ठीक है। जीके आपका वर्ल्ड एंड जो इंडिया का है वो आपका कितने का है, 60 मार्क्स का होगा। एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी 40 मार्क्स की होगी। तो यहाँ बिल्कुल वही चीज़ है, नेगेटिव मार्किंग है। चलिए एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि सिलेबस में क्या जोड़ा है और क्या हटाया है। तो देखिए प्लानिंग एंड बजटिंग जो है वो आपकी हटा दी गई है यहाँ से, ठीक है, दो पॉइंट आपके यहाँ से हट गए हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति जो है ये आपके जोड़ दिया गया है,
पॉलिटिकल अवेकिंग आपके जोड़ दिया गया है, जिसमें से 1857 की क्रांति हम कर चुके हैं, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, ये आपके यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है, यहाँ से हट चुका है, और जो हट चुका है उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। उसके बाद आपकी जो राजस्थान की पॉलिटी है, तो इसमें आपके एक पॉइंट जो है वो जुड़ गया है, और क्या है वो, विधानसभा के बारे में हम पढ़ेंगे राजस्थान की, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी में आपके जो है नेशनल इनकम जो है वो हट गई है, पॉवर्टी आपके हट गई है, ठीक है, रिडक्शन जो स्कीम जो है वो भी हटा दी गई है। और यहाँ पर एक जो है पॉइंट जुड़ा है सर्विस सेक्टर, एक पॉइंट जो है यहाँ पर सर्विस सेक्टर जो है वो भारत का जुड़ा है। गांधी जी का नेशनल मूवमेंट में जो योगदान रहा वो हट गया है। साइकोलॉजी में आपके ह्यूमन कॉग्निशन जो आपका पॉइंट था यहाँ पर बुद्धि वाले यूनिट में, वो आपके हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री में 1857 की क्रांति और राजनीतिक जागृति जो है ये टॉपिक आपका जोड़ा गया है, 1857 की क्रांति हम कर चुके हैं। पॉलिटी में राजस्थान की विधानसभा जो है वह है जोड़ा गया है, ठीक है। और महिलाओं का क्या रोल रहा है वो आपके हटा दिया गया है। गांधी जी का क्या योगदान रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में, हटा दिया गया है। ह्यूमन कॉग्निशन जो है साइकोलॉजी में, हटा दिया गया है। इसके अलावा जो है जो नेशनल इनकम है, पॉवर्टी है, रिडक्शन स्कीम जो है वह हटा दी गई है, और उसके बदले यहाँ पर सर्विस सेक्टर जो है वो जोड़ दिया गया है। चार पॉइंट आपके जोड़े गए हैं, चार आपके हटाए गए हैं। तो चलिए आप अच्छे से जो है सिलेबस को देखिएगा कि क्या सिलेबस है हमारा, हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। यदि हम सिलेबस का वेट करते तो हम काफ़ी पीछे रह जाते, ठीक है। जो भी बच्चे तैयारी पहले से कर रहे हैं तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपने किया है बहुत अच्छे से किया है। जो भी नोट्स हैं मेरे द्वारा जो दिए जा रहे हैं आपको, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही मेहनत से जो है वो नोट्स तैयार किए जाते हैं। बहुत सारी ऑथेंटिक बुक का जो है वो प्रयोग करके मैं जो है वो नोट्स तैयार करती हूँ आपके लिए, तो इसका जो है भरपूर फायदा उठाना है आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।